फ्रेंड्स, आज मेरे पास है GSH 11 11 kg ब्रेकर मशीन। इसमें सुनने प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले हम जब इसमें बिट लगाते हैं तो अंदर नहीं जाता है, अगर जा भी रहा है तो फिर निकलता नहीं है, तो फिर कभी ऑटोमेटिक निकल जाता है। इस मशीन में ये दिक्कत है। तो अंदर में कुछ टूटा है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, उसके अंदर कुछ टूटा है, तो इसके बारे में बताऊँगा उसमें क्या टूटा है क्या नहीं है, और माउथ से जैसे पूरा कंप्लीट फिटिंग भी बताऊंगा कैसे फिटिंग किया जाता है, और उसके अंदर जो चीज़ है उसका नाम भी क्या है। तो चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूल होल्डर साइड माउथ से जिसको बोलते हैं उसको खोल लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएगा प्रोटेक्टिव कैप, ये जो रबर का रहता है वो उसको प्रोटेक्टिव कैप बोलते हैं, तो उसको खोल लेंगे। फिर आ जाएगा आपका प्रोटेक्शन स्लीप, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे पता चल गया कौन सा क्या टूटा है, तो आपको साइड में दिख रहा होगा। तो इस मशीन में यहाँ पे देखिए ये स्टाफ स्लीप टूट गया है, तो इसलिए सबसे पहले हम उसको रिटर्निंग रिंग को खोलना पड़ेगा, फिर ये सब खुल जाएगा। रिटर्निंग रिंग खोलने के लिए हमको एक प्लास की ज़रूरत होता है, जो इनर आउटर प्लास बोलते हैं उसको, यहाँ पे ये, और प्लास में थोड़ा फ्लैट कीजिए, फिर आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, टेस्टर की मदद से इसका रिटर्निंग रिंग खोल सकते हो। यहाँ पे जो अंदर वाला लॉक होता है उसको रिटर्निंग रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्निंग रिंग बहुत दिक्कत भी करता है और आसान भी है, अगर ये प्रोसेस यूज़ करोगे तो बहुत आसान है। तो रिटर्निंग निकलने के बाद सपोर्टिंग डाइस भी निकल जाएगा, फिर आपके नीचे आ जाएगा डैम्पिंग सेट, ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे स्टॉप स्लिप टूट गया है, तो फिर हम उसको स्टॉप स्लिप के नीचे आपको ये इंडेक्सिंग डिक्स, और उस इंडेक्सिंग डिक्स ये है इंडेक्सिंग डिक्स, नीचे आपको स्टाफिंग डिवाइस, दोनों काजू टाइप का रहता है वो, उसको स्टाफिंग डिवाइस बोलते हैं। ये कंप्रेसर स्प्रिंग के साथ निकल गया, रिटेनिंग स्नाफ रिंग, तो ये भी निकल गया आपका, तो रिचर्ड स्लिप भी निकल गया है। तो सब कुछ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बताऊंगा, सब पहले बता दिया आपको जो भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप निकला। तो फिर उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट अंदर गिर जा गया है, तो इसलिए उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए मैं किरासिन यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कोई दिक्कत नहीं, आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डीजल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ ये टूट गया है देखिए, तो ये आपका स्टॉपिंग डिवाइस ये भी खा गया है थोड़ा ऊपर, तो ये भी दिक्कत करता है आपका जब अंदर जाता है वो, तो फिर निकलता नहीं है। इसके लिए भी ये जो काजू टाइप का रहता है उसको स्टॉपिंग डिवाइस बोलते हैं, और ये इंडेक्सिंग डिस्क भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इसको हम साइड में फाइल मार लेंगे, तो भी ये हो जाएगा, फिर चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये बॉल भी निकलना है हमको, यहाँ पे जो क्लैंपिंग फ्लेंज है उसमें बॉल लगता है, टूल होल्डर को घुमा नहीं घुमाता है, तो इसलिए बॉल लगता है इस क्लैंपिंग फ्लेंज में। तो उसको खोलना कोई भी ज़रूरत नहीं है हमको क्लैंपिंग फ्लेंज खोलना। तो यहाँ से हमको क्लीन कर लेते हैं, कोई कपड़ा में क्लीन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसको सारा स्पेयर को धो लेंगे सही से। तो चैनल मैंने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है इस चैनल में, बहुत लोगों ने देखते हैं, फुल वीडियो को भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फ्री में होता है, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है तो थोड़ा प्रेस कर दीजिए, जरूर कीजिए। और कोई भी स्पेयर की ज़रूरत है, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट कीजिए, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत रहे वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, जो करो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं सब कुछ धो चुका हूँ, क्लीन कर चुका हूँ। तो इस मशीन में सबसे पहले स्टॉप स्लिप टूट गया था, तो इसलिए उसको तो ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, ये है स्टॉप स्लिप। तो फिर मैं उसके अंदर स्टफिंग डिवाइस भी दोनों डालने वाला हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, आप उसको लगा भी सकते हो लेकिन बाद में वो परेशान करेगा, जैसे कि आपका इंडेक्सिंग डिस्क हो गया वो भी साइड में दोनों होल में खा चुका था, तो इसलिए मैं उसको फाइल तो मारूंगा, ज़रूर मारूंगा, लेकिन स्टफिंग डिवाइस को मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो खा गया है। तो सबसे पहले हमको इस मशीन में क्लैंपिंग फ्लेंज में होल रहता है जिसमें बॉल लगते हैं, तो सबसे पहले मैं आइडल का ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इस ग्रीस को मैं बॉल जो चारों तरफ जितने बॉल लगते हैं वो होल में लगा दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि ग्रीस लगाने के बाद वो वहाँ पर
अच्छा फंक्शन भी करता है और बेयरिंग भी सॉरी बॉल भी ज़्यादा नहीं खाता है, ख़राब भी नहीं होता है। फिर हम यहाँ पे लगाने के बाद भी वो पकड़ के रखता है, हमको भी परेशान नहीं होता, दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एक बॉल लगा लेंगे, थोड़ा बॉल अंदर लगाने के बाद थोड़ा टूल होल्डर को इधर उधर कर देंगे, क्योंकि वो उसका टूल होल्डर में भी होल रहता है, उसके अंदर भी घुसना चाहिए, सेम परफेक्टली घुसना चाहिए। ये चारों तरफ सब बॉल लगा लेंगे, यहाँ पे देखिए ये बॉल लग गया है और कुछ बाकी है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख के आपका मशीन बना रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, सही से देख लीजिए, फिर आप मशीन को पकड़िए, साइड में दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए, साइड में रखिए और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फिटिंग कीजिए। तो सबसे पहले आप रिचेट स्लीव लगता है यहाँ पर, तो उसके ऊपर रखता है रिटेनिंग स्नैप रिंग, तो इसके में जो घाटी रहता है दोनों साइड में होल रहता है टूल होल्डर में, उसको लगाना है, फिर चारों तरफ थोड़ा ग्रीस देना है आपको रिटेनिंग स्नैप रिंग में भी ग्रीस दे सकते हो, उसको जो नीचे वाला, तो ऊपर में भी देने में वो नीचे अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर उसके ऊपर कंप्रेसर स्प्रिंग लगता है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, फिर वो अगर ये टेढ़ा रहेगा तो ये इंडेक्सिंग देखिए यहाँ पे खा गया है, तो उसको सबसे पहले हमको उसको फाइल में आना पड़ेगा, तो याद नहीं था मुझे, तो फाइल में मार चुका हूँ, स्किप कर लिया वीडियो को। ये देखिए तो ये थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, तो ये देखिए स्टफिंग डिवाइस दोनों खा गया था, आप वीडियो से देख रहे हो। यहाँ पे देखिए ये खा गया है, ये देखिए ये खाया गया है पूरा, ऊपर ये खाटी रहता है ऊपर, लेकिन ये अगर खा जाएगा तो आपका जो बीट रहता है उसमें ये फंसता है, लेकिन अगर आप खा जाएगा तो बीट सही से नहीं रहेगा, तो इसलिए कंप्रेसर स्प्रिंग के ऊपर लगते हैं आपका इंडेक्सिंग डिस्क सही होना चाहिए, कंप्रेसर स्प्रिंग अगर सीधा रहेगा तो इंडक्शन डिस्क उसके जगह पे रहेगा, तो इसलिए अगर आपका सब कुछ सही है लेकिन उसमें लॉक नहीं हो रहा है तो कंप्रेसर स्प्रिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसका स्टॉपिंग डिवाइस भी लगा चुका हूँ, इसका तरीका ये है, साइड में थोड़ा प्रेस करके रखिए, दोनों साइड में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसमें ग्रीस देना है आपको, दोस्तों आइडियल का ग्रीस में यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए हमरिंग का स्पेशल ग्रीस है ब्रेकर मशीन का, तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, फुल जेली ग्रीस है। यहाँ पे फिर नया वाला स्टफ स्लिप लग रहा है, ये टूट गया था तो इसलिए दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली मैं इसमें स्टेनली का स्टफ स्लिप यूज कर रहा हूँ। तो डैम्पिंग रिंग आपको यहाँ पे लगाना है, फिर उसके ऊपर सपोर्टिंग डाइस लगाना है, फिर यहाँ पे ये रिटेनिंग रिंग लगाने के लिए आपको साइड में प्रोटेक्शन स्लिप को लगाना है, प्रोटेक्शन स्लिप को प्रेस करके पकड़ना है, फिर आपको यहाँ पे रिटेनिंग रिंग लगाना है। तो वीडियो में पूरा जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, आपको भी दिक्कत रहेगा, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे और कमेंट भी कीजिए। यहाँ पे मैं टेस्ट कर लूँगा, रिटेनिंग लिंक लग गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही से अंदर घुस रहा है, लॉक भी हो रहा है और निकल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम उसमें प्रोटेक्टिव कैप लगा लेंगे सबसे ऊपर, इसका ये तरीका है आपको लगाने का। फिर मशीन को चला लेते हैं, ये देखिए दोबारा थोड़ा लगा लेते हैं, लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है देखें, कोई भी दिक्कत नहीं, आप अंदर भी जा रहा है और फंक्शन भी सही से कर रहा है, फिर आपका निकल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल मैंने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए पावर टूल्स का वीडियो ही यहाँ पे मिलता है, जैसे कि अपडेल डील मशीन हो गया, कटर मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 5 kg, 16 kg, 11 kg, ये भी एक 11 kg का
टूल होल्डर के ऊपर वीडियो नहीं था, बहुत लोगों ने कमेंट भी कर रहे थे, तो इसलिए ये देखिए सीरीज में भी चल रहा है। तो पावर सप्लाई देते हैं, चलाते हैं इसे। सबसे पहले लो कर लेते हैं, तो यहाँ पे हवारिंग बिल्कुल सही हो रहा है, निकल भी नहीं रहा है वेट। मैं इसको चलाने का तरीका ये था, अगर हम मशीन को लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वेट भी निकल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। तो चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल में, अभी भी डाल रहा हूँ वीडियो। बहुत सारा प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम के लिए एक एक वीडियो है मेरे पास, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसका हैंडल कैसे लगाया जाता है। उसके ऊपर अगर आपको बताऊंगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, हैंडल कैसे लगाया जाता है उसके बारे में भी। तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बहुत बंदे ने वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ वीडियो कॉल में भी बात कर सकते हो। 10,000 सब्सक्राइब हो रहा है उसके लिए, मैं जब 10,000 सब्सक्राइब हो जाएगा मैं लाइव करूँगा इंस्टाग्राम पे, जाइए ज्वाइन भी कीजिए। थैंक यू।